जाने के बाद में तेरा कौन होएगा, मेरे जाने के बाद में तेरा कौन होएगा। जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा, जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझसे प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे भाई को भी सपोर्ट करें उनका चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका कमल एसोसिएट्स में। आज तुम्हारा भाई बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बहुत स्पेशल गेस्ट और अपने एक भाई से मिलवाना चाहता हूँ। मतलब भाई की तरह ही है, गेस्ट नहीं बोल सकता, एज माय ब्रदर ओनली। वो एक्चुअली मुंबई तक तुम्हारे भाई का नाम होगा, मुंबई से स्पेशली तुम्हारे भाई से मिलने हैं ओनली फॉर बाइंग अ फ्लैट। मतलब ही इज एक्चुअली भी राइट नाउ में बड़ी वाली फेम, उनका गाना भी चल रहा है पार्टी हो रही है वाला मेरा भाई है। उनका YouTube पे बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में गाना भी चल रहा है। बताऊं सिंगर कंपोजर एंड एक्टर दानिश अल्फाज से। What's up everybody? मैं बड़ा खुश हूँ। पहली बात तो काफी टाइम के बाद मैं दिल्ली आया हूँ। Really? मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी पुलकित से मिलने की, क्योंकि यार he is doing really well। मुंबई तक मैं आतंक मचा दे इन्होंने। मुझे लगता है कि मुंबई की भी सारी बिल्डिंग यही खरीदने वाले हैं और खरीद के फिर बेचने भी वाले मुझे ही है। तो बैठो भाई बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो हम लोग को मिले हुए फिलहाल एक साल से ज्यादा हो गया है। हाँ, और एक साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मैं जब पिछली बार आया था तो he was doing great, बट मैंने इतनी ज्यादा तरक्की किसी की नहीं देखी है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, कि एक साल के अंदर इन्होंने यहाँ से यहाँ पे आए और अभी तो मुझे लगता है ये बादल फाड़ के ऊपर जाने। अरे मेरी जान लो। सो हैप्पी, सो भाइयों को प्यार है और कुछ नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि भाई इतने लोगों को आप फ्लैट बेच रहे हो, इतने लोगों को सेल कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो एक फ्लैट मुझे भी गिफ्ट कर दो भाई के लिए। फ्लैट गिफ्ट होने वाला कौन सा चाहिए, 2 BHK 3 BHK? तो आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK। ठीक है, 2 BHK लेके चलते हैं, फिर एक साथ में 3 BHK भी दिखा देंगे, अपना क्या दिक्कत है, चले जो लेना वो ले लो। क्या तो इन्होंने मुझे फिर बोला, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, कि बाय 2 get 1 free। तो बाय 2 BHK get 1 BHK फ्री, तो मुझे इंक्लूड करके 3 BHK दे रहे। कोई दिक्कत नहीं, घर में जा रही है, पिछली तो बात होना जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक रूम मुझे पता है अपने लिए रखने वाले उसमें। तो दानिश भाई चले फ्लैट की तरफ, बट मैं एक शर्त पे जाऊंगा। शर्त ये है कि भाई फ्लैट तो ले लेंगे हम। अच्छा, और ये 2 के बदले 3 भी दे रहे हैं उसी प्राइस में। अच्छा, 2 के बदले 3 भी दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज भाई, इनकी शादी करवा के ही जाऊंगा इस बार में। ओह माय गॉड, मुझे भाई की शादी में एंजॉय करना है, डांस करना है, मजे करने हैं। अब ये क्या मतलब, इतना एम्पायर खड़ा कर लिया, इतनी चीजें बना ली, अब कब कब भाई लड़की ढूंढ रहे हैं, अब तक कब के लाओ। तो मुंबई वाले तुम्हारे पास भाई, मैं सोच रहा हूँ ये शादी कर ले, वो इनकी जो साली वाली होंगी। चलो चलो फ्लैट देखते हैं पहले, और तीसरे रूम में तो एक हफ्ते जमा के बैठे मेरे से। नहीं, तीसरा रूम आपके आओ, मेरा भी आओ, डोंट वरी। मासूम है उसका चेहरा जैसे होता है कोई बच्चा, मेरे लिए जो उसका प्यार है हाँ वो है बिल्कुल ही सच्चा। मासूम है उसका चेहरा जैसे होता है कोई बच्चा, मेरे लिए जो उसका प्यार है हाँ वो है बिल्कुल ही सच्चा, सच में सच्चा है। जैसे आई वो परियों के शहर से, मुझे लेके जाएगी आसमानों में, ऐसा खूबसूरत चेहरा कोई ना मैंने देखा पहले जमाने में। केयर तेरी हाँ करना मुझको लगती मेरी ड्यूटी है, मुझे जिससे प्यार हुआ वो बंगाली ब्यूटी है, मुझे जिससे प्यार हुआ वो बंगाली ब्यूटी है। क्या करो यार, अब तो हो गया। आ तो मेरे भाई, देखो ओके
दिल्ली शहर में सस्ते फ्लैट बढ़िया अभी रेट बताऊंगा ना वो नवादा मेट्रो के पास पड़ता है मोहन गार्डन द्वारका मोड़ अपना जहाँ से मैंने आपको हमने जहाँ पे चाट खाया था गोलगप्पे है वो उसके बाद हमने आज से गोलगप्पे दिखा के आया टेस्टी थे तो भाई वो द्वारका मोड़ में हो गया अपना ठीक है द्वारका मोड़ मेट्रो के पास में अंदर जारी रोड रामा पार्क रोड उसके अंदर आके मोहन गार्डन आर ब्लॉक पड़ता है मतलब 1-1.5 किलोमीटर और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है मतलब मान दो और अपनी बिल्डिंग का सबसे बड़ा दानिश भाई इसमें लिफ्ट और कार पार्किंग है मतलब सबसे बड़ा पॉइंट नहीं ये मैंने अभी आते हुए देखा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें लिफ्ट है लिफ्ट है मेन चीज लिफ्ट बहुत बड़ी चीज होती है यार मतलब अगर छोटे रहे मतलब 20-22 लाख अगर फ्लैट में लिफ्ट लग जाए अब मेरा पॉइंट बता दिया समझ लो 20-22 लाख में अगर लिफ्ट लग जाए और कार पार्किंग भी दे रहे साथ में रिजर्व गाड़ी पार्किंग दूंगा भाई साहब बताओ तुम्हारे मुंबई कैसे रेट है तुम्हारे मुंबई कैसे रेट है मैं सीरियसली मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं भाई सच में यही रेट है मेरे भाई यही रेट रखे अपन ने और अभी थोड़ा सा अच्छा बताता देखो ये नहीं भाई पहले डील करो वीडियो बंद करो पहले पैसे पैसे लो और मैंने कहा था तुम अपने जूते छोड़ दोगे अपनी बुकिंग कर दोगे बच्चों को बताओ ना हम अपना एंट्री निकाल करते हैं सीट पे मेरे क्या मैं बैठूंगा या मेरी मम्मी बैठेगी तुम मेरे जूते छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको छोड़ना थोड़ा सा नक्शा देखो ये अपना स्क्वायर प्लॉट है ठीक है इसमें दो आगे निकाल दिए 55 गज के दो पीछे निकाल दिए 55 गज के बीच में लिफ्ट दे दी और नीचे फुल कार पार्किंग मतलब अपने नीचे ऊपर वाले फ्लैट के लिए मतलब 16 फ्लैट बनेंगे अपने एक पे चार फ्लोर का दो फ्रंट पे दो बैक पे और ऐसी चार फ्लोर बनेंगे मतलब 16 फ्लोर बनेंगे अपने ये अपना लिविंग होगा मतलब जरा आराम से लिविंग एरिया और यहाँ पे अपना आराम से सोफा वगैरह आ सकता है और थोड़ा देखा तुम्हारे भाई का कितना बढ़िया लग रहा है पूरे मोर ओवर पंख एकदम जनरल पूरे एक अपना भी फोटो लगा दो फिर तुम्हारा लगाऊंगा भाई तुम्हारा नहीं 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 इस वाले फ्लैट में चलो मैं भाई जो इतने सस्ते सस्ते फ्लैट बेच रहा है तो भाई उसका भी फोटो लगाना चाहिए चलो इस वाले फ्लैट में दानिश भाई के हाथ जोड़ते फोटो लगवाते तो अपना मैं सबसे बड़ा बेनिफिट फ्लैट में होता है ये अपना हो गया लिविंग एरिया और सामने अपने ना यहाँ पे दे दी कॉमन वॉशरूम मतलब कोई आपका अनवांटेड क्रेचर कभी होता है घर में आ जाता है अपने रूम्स में नहीं घुसाना चाहते उसको तो इधर से वॉशरूम में इसको नमस्ते करो उधर से बाहर बैठो मुंबई का स्टाइल है हाँ मुंबई वाला स्टाइल पूरा वही है बस चल अब यहाँ पे लिविंग एरिया और सामने बिल्कुल किचन देखो आओ दानिश भाई मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ का किचन पूरी मॉडर्न किचन है आओ दिखाता हूँ आप देख सकते हो मतलब कितनी स्पेशियस किचन ओपन किचन ये बिल्कुल मतलब दिल्ली वाला ट्रेंड किचन यही चल रहा है एकदम स्पेशियस ओपन किचन और मॉडर्न किचन देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये तो अलमीरा बना दी ऊपर ठीक है और ऊपर छोटे छोटे फोकस लाइट्स लगा दी मेक द इट मेक इट वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पर देखो देखो ये पूरे मॉडर्न किचन आप देख सकते हैं मतलब सारा स्टेनलेस स्टील का काम हो रखा है मतलब इसका कोई जंग नहीं लगेगा मेरे भाई सबसे बड़ी बात कभी जंग लगने की बात ही नहीं होगी यहाँ पे चिमनी लगवा के देगा तुम्हारा भाई जब तुम लोगे ना फ्लैट तो गिफ्ट है मेरे पास से वो भी अरे गीजर भी है भाई अरे टीवी भी है सब कुछ दूंगा भाई रुकते जाओ बहुत कुछ देने वाला ऐसा तो नहीं कि खाली वीडियो के लिए बोल अरे भाई दूंगा मेरे भाई को दूंगा चलो मैं व्यूअर्स को दूंगा यार तुम टेंशन मत लो यार तुम्हारा भाई तुम जानते हो कितना बढ़िया है गिफ्ट आज तक हम लेके आप बोल रहे हो कि रूम को देना नहीं पड़ेगा सोचो 2% दूंगा भाई तीन चीजें क्या बोलिए इस बार में ना मुझे मेरा कट दे देना मेरी ये मेरी खुशी में मिल रहा है सारे ऑफर कि मेरा भाई आना मुझसे मिल रहा है तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं इतने सारे ऑफर्स अब मैं थोड़ा सा आपको स्पिन दे दूं क्योंकि ये डबल ग्रेनेड का पत्थर लगा हुआ है इतना मोटा ये पूरा ग्रेनेड पत्थर है जिसकी मतलब क्वालिटी इज A1 क्वालिटी मतलब और पूरी जो हमारी सैनिटरी है पूरी सैमी ब्रांडेड हमने साक्षी में भी ब्रांड के में लगा रखा है इट्स अ वेरी गुड ब्रांड इन सैनिटरी मतलब अच्छा ब्रांड है और आपको मेन चीज समझा दो भाई मैं यहां पे ना टाइलिंग लगा रखी है कोई किचन में राइट किचन में कुछ भी बना सकते हो आप हां तो कुछ भी छोड़ दो ऑयल वगैरह कुछ भी उधर से कपड़ा मारा और साफ हो एकदम नीट एंड क्लीन रही हमारी मशीन अच्छी बनी आप देख सकते हो बिल्कुल और अब मैं बात करूंगा को अभी पूरी किचन में और पूरी उसकी फॉसिल भी मैं यही देख रहा था कितनी बढ़िया फॉसिल हो रखी है एकदम A1 क्वालिटी की फॉसिल मुझे ये जो लुक होता है ना ये जो आपने फॉसिल किया हुआ है बहुत ही कमाल है खाली मैं कैमरे में नहीं बोल रहा हूँ बट सीरियसली टू बी ऑनेस्ट इतने कम प्राइस जो कि ये बता रहे हैं मुझे भी एग्जैक्टली इनसे पूछने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या है अगर ये जो प्राइस इन्होंने बताया अगर सच में यही प्राइस है ना तो ये
ये एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए, सरप्राइजिंग मोमेंट है, क्योंकि मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट अगर हम लेंगे ना, ये सब क्वालिटी और ये सब एडवांस फीचर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि ये फ्लैट आराम से मतलब 1.5 से 2 करोड़ का है, सॉरी 1 से 1.5 करोड़ में मिलता है 2 BHK। अच्छा 2 BHK में तो लग 1 से 1.5 करोड़, वाओ। तभी दिल्ली की जनता ने मुझे इतना वायरल कर दिया कि उनको पता इनका भाई का है ना सस्ते और बढ़िया और सस्ते दामों में फ्लैट हमेशा लेके आता है। मैंने ऐसे बने हुए फ्लैट 2 BHK कम से कम 1 से। अब मैं आपको ना एक चीज बताऊं, देखो अपनी कंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग ना एक एक पॉइंट नोट करते हैं भाई, लाइक कुंडा कंस्ट्रक्शन मतलब डेकोरेशन दुनिया का ले लेता है भाई। अब मतलब अपनी जो नींव होती है ना वो भी 6 फुट गड्ढा गहरा होता है, उसके बाद 25 mm का सरिया मतलब सबसे मोटे वाला सरिया होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, मतलब टिल द टॉप फ्लोर जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिक मेरी बिल्डिंग ना ऑटोमेटिकली अर्थ टू रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब दिल्ली के हिसाब से वेरी नाइस। अब मैं किचन की बात करता हूं, क्यों दे रखे स्विच बोर्ड, ये आपके माइक्रोवेव के लिए दे रखे हैं ठीक है, और यहां पे भी स्विच बोर्ड दे रखे हैं। और मैं बताता हूं देखो मेन चीज, अब इस रूम में एरिया में गर्मी में जो घर हो तो उसके लिए यहां पे हमने एसी की फिटिंग ऑलरेडी दे रखी है। मैं सबसे पहले ये देखो यहां पे अपना एसी लगा सकते हैं, ये देखो नाइस छोटी छोटी चीजें, ये चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहले मैं जब भी किसी फ्लैट में जाता हूँ ना, मैं किसी भी फ्लैट में जाता हूँ कहीं पे भी, मेरा सबसे पहले जो ध्यान जाता है ना वो सॉकेट के ऊपर जाता है कि है या नहीं क्योंकि अगर वो होता है तो मुझे पॉजिटिविटी आती है कि कहीं भी बैठे हैं कुछ भी प्लग लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किचन में देखा, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पे इन्होंने लगाए हुए हैं, सारे स्विचेज हैं। नहीं तो पता है आजकल मैंने बहुत जगह देखा है के बेडरूम में सॉकेट ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ है किधर, किचन में ढूंढ रहे हैं, एक्सटेंशन लगा रहे हैं, बट यहाँ पे सीरियसली आई एम सो हैप्पी विद दिस। नहीं एक्चुअली हम लोग कंजूसी नहीं करते कंस्ट्रक्शन में भाई, तड़पोगे नहीं फ्लैट लेने के बाद, कुछ हो गया बहुत ज्यादा, यह चीज अच्छी है। और अब आपको थोड़ा सा और बता दो, फ्लोरिंग की बात करते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फ्लोरिंग इस रूम की, देखो ब्राउनिश फ्लोरिंग है पूरी, ये आप क्या लग रहा टाइल सारी खजाने की टाइल है, ब्रांडेड टाइल्स पर हमें थोड़ा सा जल्दी वॉलपेपर भी आगे लगा के सब कुछ भाई, वॉलपेपर सैनिटरी ये फैन लाइट्स वॉलपेपर सब 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 कुछ आगे दे, मेरी तरफ से इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, इसमें चिमनी लगनी है, गीजर लगना है, और बाद में आप बोलो कि ये प्राइस पर डील हुई और कुछ चीज लगी रह गई, तो नहीं नहीं सर ऐसा छोटे काम नहीं करता भाई, सारा ये जितनी भी डेकोरेशन है सब करा के चलता। आप देख लो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अपनी जितनी भी कंस्ट्रक्शन में काम हो रखा है सर, उसकी ना आपको 1 साल की वारंटी भी देता हूँ मैं। अच्छा, पूरी बिल्डिंग वारंटी हूँ, मतलब अगर बाय चांस सीलन आ रही ऐसी वारंटी तो मुझे नहीं मिली कभी। अरे मैं देता हूँ कमल एक्सप्रेस क्यों ब्रांड है मेरे भाई, अगर सीलन आ जाए इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए अपन उसकी वारंटी लेंगे, मैं अपना लड़का भेजूंगा, मैंने सारे इन हाउस सैलरी रखी है प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, ये पॉइंट तो बिल्कुल नोट करने वाला है, मतलब मैं खुद भेजता हूँ, मैं ऐसी सर्विसेज देता हूँ क्लाइंट्स को कि वो दोबारा आए, क्योंकि अपना जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, जो ये धंधा है, ये सारा धंधा है ही रेफरेंस का बिजनेस, जो अपना मतलब एक को फ्लैट बताया तो एक को दूसरा बताया दूसरे तीसरे बताया, अपन की ऐसी चेन बनी इंटरलॉकिंग, और भगवान की कृपा से दानिश भाई हमेशा हमारा क्या होता है कि हमारे पड़ोसी फ्लैट खरीद लेते हैं, जहाँ बन रहा होता है आस पास के पड़ोसी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है वी आर डूइंग द बेस्ट कंस्ट्रक्शन, वो देख रहे हैं क्या काम हो रहा है उनके सामने, एक साल में बिल्डिंग बन रही है, एक एक चीज नोट करते हैं वो बैठते हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं, तभी तभी लोग थैंक यू भाई थैंक यू। चलो आप दूसरे रूम में डाल लेके जाता हूँ आपको, जो हमारा मेन बालकनी वाला रूम है, बालकनी में सब कुछ है भाई, चलो दिखा के लाता हूँ आपको बालकनी वाला रूम गाइस। अब देख रहे हो दानिश भाई कितना बढ़िया तुम्हारा बालकनी भाई का बड़ा रूम क्यों रहा, कितना बढ़िया फूल हुआ वॉलपेपर, और देखो आप मतलब इसमें अलमीरा वॉटर वॉटर बना रखी है हमारी, पूरी अलमीरा होने वाली है, ये तो एक तरह से फर्निश हो गया है, नहीं सेमी फर्निश कहते हैं, मतलब लाइक पूरा काम कर रहे हो सब कुछ दे रहे हो, हां हां काम तो सारा करा देते हैं, मतलब देखो मेन चीज इधर से भी मैं देख रहा हूं, ये हां टीवी पैनल है, अब पहले इसकी देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मतलब अपना वार्डरोब बना रखा है, कंजूसी यहाँ भी करना चाहे तो कर सकते थे बट नहीं करनी, अपने पास ना एक सिद्धांत है कंजूसी नहीं करनी, और क्वालिटी क्वांटिटी में काम नहीं करते क्वालिटी में काम करते, क्वालिटी इज द मेन थिंग राइट। तो मैं आपको ना दिखाने की कोशिश करता हूँ फॉल्स सीलिंग, देखो कितनी बढ़िया फॉल्स सीलिंग है, मतलब कैमरा में भी दिखा दो भाई एक बार, इतनी A1 क्लास की डिफरेंट लुक वाली फॉल्स सीलिंग, नाइस यार
जितनी भी लाइटिंग लग रही सारी सिस्का ब्रांड की है। सिस्का ब्रांड मतलब 2 ईयर की वारंटी मिलती दानिश भाई, टेंशन ना लो, 2 ईयर की वारंटी के साथ लाइटिंग होता है। कोई अलग काम कर रहे हैं, अब दिखा दो ये को टीवी पैनल, ये अपना सारा देखो टीवी पैनल कितना बढ़िया। और मेन चीज क्या है इधर, टीवी दे रहा हूँ 32 इंच का टीवी भी आप दे रहे हो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, यही मार्केटिंग होती है भाई। इसी तरह मेरे भाई ने पूछ रहा था, पता कहते भाई अच्छी दे रहा हूँ, देता हूँ भाई अच्छी बाकी टीवी लगा के बढ़िया वाला था, सब एक क्लास वाली चाहिए, वारंटी वाला टीवी बढ़िया वाला टीवी सोनी का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, फ्लैट बुक कराने आया भाई को बोल दो कि फ्लैट बुक कराने आया। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ही बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने 2 मिनट भी लेट किया आप लोग आके ले जाएंगे। तो सब कुछ मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब मैं मुझे तो भाई प्यार भी मिलेगा, मुझे तो ये कहने की जरूरत नहीं कि बुक करा लो आगे, वो खुद ही भाग के आएंगे अभी। इतना तभी तो तभी कौन छोड़ रहा है यार, इतना कुछ मिल रहा है तो कोई इतना कुछ अपन लोग इसीलिए देते हैं। ये तो ड्रीम होता है सबका, एक खुद का अपना घर हो इतने प्राइस में। हां राइट राइट राइट, सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं क्या, पहले तो प्राइस कम है और दूसरी चीज इस पे लोन में 100% करा सकता हूं। वाओ मतलब आपको जेब में सिर्फ 20-21 हजार लेके आने और फ्लैट की चाबी लेके जानी है। हां जी सर, 20-21 हजार ला सकते हो, भी ला सकते हो पूछो उनसे, बट एक चीज है कंडीशन, उसमें प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका लोन हो जाए। राइट राइट राइट, और देखो तो लोन तो बैंक ही करेगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे पिताजी लोग करते नहीं, मेरे पापा बैंकर नहीं है ना, बट आप करा दोगे भाई। अरे 200% करा दो, 100% लोन लिख के दे दो, अगर नहीं कराऊंगा तारिक भाई को इच्छा पे डीएम कर देना, ठीक नहीं करा सीरियसली, मतलब मुझे डीएम कर देना वो तो ठीक है। बाकी सेकंड चीज मतलब अगर किसी के पास फुल अमाउंट भी नहीं है, कोई नहीं सब नहीं करते, नहीं नहीं होता बहुत आजकल खर्च जान के, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि इजीली कितना डाउन पेमेंट में कर दो भाई, 21,000 रुपए वो शगुन के नाम पे लूंगा, 21,000 का शगुन देके फ्लैट बताओ। और कुछ चाहिए क्या? अब देखो गाइस, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं, देखो तारिश भाई यहां पे अपना विंडो एसी लग जाएगा, उस रूम में स्प्लिट एसी था फिटिंग दे रखी थी, यहां अपना विंडो एसी, और यहां पे विंडो एसी के लिए पावर का स्विच, एसी भी आप ही दे दोगे? नहीं नहीं एसी नहीं दे रहा भाई, इतना नहीं भाई, इतनी मत मारो, गरीब मार मत पड़ो, भाई को बुला लिया तो मतलब सारी ऑलरेडी मैं कुछ सोचा था, इतना कुछ तो दे रहा है एसी भी। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, गरीब भी सोचा था मैं एसी देता है, अंडरस्टैंड देता हूं। अब एक और चीज दिखा दो, अब मैं इसकी इसकी खिड़की की बात करता हूं, ठीक है, विंडो पैनल देखो, देखो वन ये पूरा स्टेनलेस स्टील है आप समझो, सेकंड लोहे का, उसके बाद ग्लास का, मतलब 3 लेयर्स में एक विंडो बनती है अपनी, आपको खोल के दिखाता हूं, 3 लेयर की विंडो अपनी, हल्का काम करें नहीं पे, मतलब छोटे इकोनॉमिक फ्लैट में भी काम कहीं भी हल्का नहीं, मतलब मजबूती हो जाता है देसी काम, मजबूती काम, डेकोरेशन अपनी रहेगी अभी ट्रेंड के हिसाब से, और मजबूती देसी वाली कि अभी पूरा देसी की तरह मजबूत है हमारा पूरा फ्लैट। अजान हो रही है अभी, तो अजान हो रही है, ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, बारिश में जैसे आपको भी खिड़की दिखा दी, अब ये ना हमारा एक चीज में अभी एक चीज कमी लग रही है, मतलब क्या होता है ना मुंबई के जो फ्लैट्स होते हैं, मैं बेसिकली मुंबई रहता हूँ, मुझे आदत भी ऐसी हो रही है, तो मुझे चाहिए होता है कि अटैच जो टॉयलेट बाथरूम होता है वो। अच्छा मैं बोलता हूँ भाई, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, कोई क्या जादू का दरवाजा, अभी दरवाजा तो खोलो, अब ये मास्टर बेडरूम, मतलब मैं इसको कपल स्वीट रूम बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ मैं मास्टर बेडरूम का मतलब, तो ये होता है देखो सर, ये वॉशरूम है, सीरियसली देख रहे हो इस पर काम चल रहा है, अटैच वॉशरूम इसके साथ में, क्या बात है यार, ये अभी मैं पूरी तरह से इंप्रेस हो गया, पूरी तरह से, मतलब आपको एक एक चीज मिल रही है छोटे से इकोनॉमिक फ्लैट, 90% था मैं, अभी पूरा मैं 110% हो गया। अब देखो आपको मैं छोटी चीज समझाने का, देखो अभी हमारा काम चल रहा है, जैसे काम ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 दिन का है, ओके 4 से 5 दिन का पूरी मेरी फ्लोर रेडी, मतलब ये तो 2 घंटे काम है सर, 5 दिन में पूरा रेडी हो जाएगा, ये वाला वॉशरूम का 2 घंटे काम है। अच्छा। आप आ गए तो मैंने कहा सब काम छोड़ दो, पहले अपने भाई का शूट करेंगे, क्योंकि भाई की फ्लाइट है कल मॉर्निंग की, मैंने कहा आज इसको पकड़ के पहले वीडियो शूट ही कर ले, भाईयों को दिखा दे सारा फ्लैट, ठीक है ना, तो अब मैं दिखाने का सोचा हूं, मेरा प्लान एक फ्लैट का था, मैं एक नहीं 2 लेने वाला हूं जल्दी। तो आपको छोटी चीज समझा दो, देखो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज अंदर कैमरा में अंदर, देखो मैंने आपको मेन चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो अपनी टाइलिंग जो ना ऊपर से लेकर नीचे तक करवा रखी है, मतलब इसका क्या मतलब कभी सीलन नहीं आ सकती, सीलन अगर आ भी गई वॉशरूम में नॉर्मली आ जाती है कभी कभी, कभी लीकेज होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और नीचे जो टाइल्स है सारी एंटी स्किड टाइल्स है, और सारी की सारी टाइलिंग जितनी भी हमारी है सारी ब्रांडेड ही यूज करी गई है, कोई भी मतलब कजारी या ब्रांड के अलावा कोई काम ही नहीं करा, और मतलब अच्छा एकदम क्वालिटी का काम है, और वॉशरूम की जो भी हमारी है सारी गोल्डवेयर ब्रांड की, आप देख सकते हैं ये गोल्डवेयर ब्रांड है, मतलब सेमी ब्रांड है, सेमी लोकल ब्रांड है, बट अच्छा है,
तो इसकी सारी हमारी सारी सेनेटरी, मतलब सेनेटरी लग रही है, हॉट सीट जो हमारी वो लग रही है। जैसे कि यहाँ पे शावर लगेगा, अभी पॉइंट है अभी काम कंप्लीट नहीं होता, और यहाँ पे सारे डाइवर्टर वगैरह लगेंगे ठंडा गर्म का, और पूरा गीजर का सेक्शन घेरा, यहाँ पे गीजर लग जाएगा। आप मेरी नॉर्मली वीडियोस में देखते हो कैसे मेरा काम होता है, यहाँ पे सामने गीजर लग जाएगा, सारा वैसा ही बिल्कुल A1 क्वालिटी का और A1 बेस्ट काम ही होने वाला है। तो मैंने एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे, मैं ऐसे कोई नॉर्मल दोस्त नहीं बनाता हूँ, ऐसे दोस्त बनाता हूँ जो जेन्युइन हो। आपने जो बोला था मैंने वो चीजें देखी यहाँ पे, और सीरियसली आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो ब्रांड होता है, एक नाम ब्रांड बिल्डिंग की, अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे मिलेंगे। हाँ, राइट, राइट। एक बार कोई खरीद लेगा दोबारा नहीं लेगा ना फिर। बट सीरियसली आपने जो काम कराया, मैं आई एम सो इंप्रेस्ड। अब मैं आपको एक चीज बताने को भूल गया, देखो हमारे ना हर एक गेट के ऊपर माइका लगा रखा है, जो ये वॉशरूम का गेट भी नॉर्मली लोग इसको कंफ्यूज ही करते हैं, पता है यहाँ पे माइका लगा रखा है। माइका A1 क्वालिटी का ब्राउन है, क्रीमिश का कॉन्टैक्ट का, कितना अच्छा लुक आ रहा है, और बैक साइड में क्लासी है। हाँ, क्लासी लुक, मतलब इकोनॉमिक फ्लैट के हिसाब से ना बेस्ट है। और पीछे भी माइका लगा रखा है A1 क्वालिटी वाले, आप देख रहे हो। अब आओ मैं आपको बालकनी की तरफ दिखाता हूं, बालकनी पे जाने से पहले मैं जो चीजें दिखाता हूं, देखो ये जो सारे लॉक्स है सारे हाइड्रोलिक लॉक्स है, आप देखो मतलब ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, हाइड्रोलिक लॉक बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखो दानिश भाई, जो चिटके नहीं है, मतलब इसकी भी कितनी लंबी लेंथ है, मतलब जो कम हाइट के भी जो कम हाइट के भी हो ना उनके लिए भी इजी हो जाएगा, मतलब ठीक है इजी होगा, मतलब बच्चे वगैरह हमारे घर में उनके लिए बेस्ट है। और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। देखो ये हमारी बालकनी हो गया, यहाँ पे इजीली आप अपनी वॉशिंग का सेक्शन वगैरह बना सकते हैं। nice. मतलब यहाँ पे अभी हमारा टैप लगना है, ये बना है, टैप लगना है, और यहाँ पे पावर का स्विच भी लगेगा, भी है, कटिंग होनी है, कटिंग हुई नहीं है। okay. और ये रहा आप ड्रेनेज के नीचे, मतलब ये आपको दिखाता हूँ वॉशिंग का स्विच यहाँ लगा दिया, सॉरी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, दिखाना। और आप देख सकते हैं चीज, जैसे कि अभी रात हो रही है तो अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा, पर शूट शूट दिन में एक बार और ले लूंगा फ्रंट एलिवेशन का। आप देखो एलिवेशन पूरी टाइलिंग से डिजाइंड है, इस तरह से क्या होता है कि जो बिल्डिंग का फ्रंट मुखड़ा होता है वो एलिवेशन है। और सबसे मेन चीज, हर होली दिवाली आपको अपनी बिल्डिंग पेंट कराने की जो जरूरत नहीं, जरूरत मेन चीज जो होती है, मतलब होली हो जाए दिवाली हो जाए आपको पेंट कराना, आपकी बिल्डिंग हमेशा चमचमाती रहेगी। मतलब 5-8 साल पुरानी बिल्डिंग दिखाऊंगा जो मतलब हमने बना रखी है, उसमें भी आपको दिखेगी नहीं, सब कुछ एडवांस, वो भी बिल्डिंग आज भी चमक रही है बिकॉज ऑफ एलिवेशन इज गुड, एलिवेशन इतनी अच्छी। और एलिवेशन हमारी जितनी भी होती है ना, मैनेजमेंट इधर से दिखाता हूँ, देखो सारे नट बोल्ट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे को आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है पर व्यूअर्स को दिख रहा है, यहाँ पे नट बोल्ट है, तो नट बोल्ट लगाए जाते कि टाइल हमारी कभी उतरे ना, मतलब 2-5 साल बाद तो हमारी टाइल निकले ना बाहर कभी भी, तो इसलिए नट से हमने टाइट भी कर रखी है सारी की सारी। और अब मैं दिखाता हूँ इधर की भी, यहाँ की एलिवेशन भी हमारी पूरी टाइलिंग से डिजाइंड है। और एक चीज दिखानी भूल गया था उस टाइम पे, ये हमारा वेंटिलेशन के लिए प्रोविजन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लग गया, बट वो आपको लगाना है, 1000-1200 की चीजें खुद लगा लेना भाई, मैं लगा के दूंगा, मतलब परेशान नहीं है, छोटी छोटी चीजें नहीं, तो बड़े बड़े गिफ्ट दे दिए, पर 1000-1200 चीज खुद करा लो, छोटी तो हो जाती है। तो हम जैसे कि ये 2 BHK का फ्लैट है, अभी एक रूम तो मास्टर बेडरूम दिखा दिया, लिविंग एरिया दिखा दिया, अब 2 BHK में 2 रूम और एक लिविंग एरिया, तो दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैं यहाँ पे फ्लैट क्यों ले रहा हूँ जब मैं मुंबई रहता हूँ। राइट, मेन पॉइंट, ये मेरे को भी डाउट था, मैंने कहा पता नहीं क्यों भाई, तो भाई मुझे मेरठ भी फ्लैट लेना है, मेरा घर कतौली में मेरठ के पास, तो मेरठ भी लेना है, कतौली में तो अपने घर है ही, और दिल्ली भी लेना है, गुड़गांव भी लेना है, सब जगह लेना है, मेरा सोचा हुआ कमाना मुझे भी खाली, ये अकेले थोड़ी कमाएंगे, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा अब तक जो मुझे बुरा लगा हो, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा हूँ, मुझे कुछ बुरा लगता है मैं मुंह पे बोलता हूँ ये चीज अच्छी नहीं चीज है, बट मुझे यहाँ पे जिस प्राइस में ये फ्लैट मिल रहा है ना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो कुछ भी मुझे ऐसा यहाँ पे खराब नहीं लगा। ये क्या है? अरे भाई ये वेंटिलेशन, यहाँ पे वेंटिलेशन और एक और चीज है, ऐसे वेंटिलेशन हो सकती है आराम से, और यहाँ पे ना एसी का पॉइंट दे रखा है। अच्छा, आपको दिखाने कुछ होता है, देखो यहाँ पे मेरा एसी का पॉइंट हो गया। अरे ये जो आपने करके दिया है ना, ये सारी चीजें ये एडवांस है, एडवांस पता है, अभी मैं मुंबई में एक फ्लैट में जिसमें मैं रह रहा हूँ उसमें मुझे करवाना पड़ा था सब चीज। अच्छा, ये एसी के चीजें बस उन्होंने होल करके दिया था। अच्छा, सीरियसली सिर्फ मुझे होल मिला था, डलवाना मुझे पड़ा था सब चीजें, बाकी यहाँ पे मुझे हर चीजें। अब मैं आपको ना छोटी चीज दिखा दूं, देखो मेरे रूम में कितने स्विच बोर्ड है, 1, 2, 3 Seriously, 4, मतलब
तीन छोटे हैं और एक बड़ा। आप देख लो एक रूम में चार चार आपने स्विच इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे दिए, इससे बड़ी क्या चीज चाहिए। मतलब क्वालिटी को बहुत मैटर करते हैं हम लोग की, क्वालिटी हमेशा रहे। सीरियसली बस क्या बाकी है यहाँ पे, इनको चिपकाना बाकी है। बाजी को यहाँ चिपका देते हैं पूरा कम्प्लीट। कितना डिस्काउंट देगा ना गाने को, क्योंकि मैं एक गाने के बहुत चांस देता हूँ। अच्छा हाँ। देख लो भाई कमेंट में लिख दो, अब ये चीज कमेंट में लिखो, देख रहे हो पहले तो भाई अब चार्ज। चलो ठीक है भाई, भाई है तो फिर चल जाता है। चलो मैंने कहा है मैं ये अपना लेटेस्ट सॉन्ग सुना देता हूँ, एक पार्टी सुनाता हूँ, एक अपना सेट, दो फील के साथ। अभी जो यूट्यूब पे जब लॉन्च हुआ था फर्स्ट डे, मेरे भाई का 6 नंबर पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में था, आज भी ट्रेंडिंग पे है, आज भी है, चार दिन रिलीज को हो गए हैं फिर भी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड चल रहा है और बढ़िया पार्टी हो रही है। सॉन्ग सर्च करो एक ही नंबर गाना, मतलब अभी दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे क्लब में गाना चल रहा है, पार्टी हो रही है। गोवा भी चल रहा है मैंने स्टोरी देखी, गोवा भी चल रहा था, गोवा चल रहा है, दिल्ली चल रहा है, मुंबई चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो गाड़ी से निकले हम चार दोस्त, यहाँ यारों के चारों के चार खास दोस्त, उनकी बंदियां भी साथ, हाथ में टंगड़ियां भी साथ, पर मेरी वाली ही कहीं पर सो रही है। ये मेरी गाड़ी, ये मैं यहाँ पार्टी हो रही है, ये मेरी गाड़ी, ये मैं यहाँ पार्टी हो रही है। और एक जो मेरे से पहले गाना आया था वो सैड वाला सॉन्ग जो आपका मस्त वाला, वो सुनो भाई। मेरे जाने के बाद में तेरा कौन होएगा, मेरे जाने के बाद में तेरा कौन होएगा, जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा, जितना मैं रोया हूँ मुझसे ज्यादा तू रोएगा, दिल तूने तोड़ा है वो भी तोड़ेगा, वो भी छोड़ेगा तुझको, वो भी छोड़ेगा। इतनी खुशी के माहौल में सैड सॉन्ग क्यों है? चलो चलते हैं, मैं आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू दानिश भाई, सबसे पहले आपने इतना बढ़िया वाला गाना सुनाया मेरे व्यूअर्स को, थैंक यू सो मच। लाइव देख लिया आपने दानिश भाई को बिल्कुल गाना गाते हुए, तो भाई है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सी बात इतनी मेहनत करो, मैं जो पापा से भाई को बुला रहा हूं कि आओ वीडियो शूट करो, और तब तो सब्सक्राइब तो करता है, एक सब्सक्राइब बोलो भाई दानिश भाई। नहीं सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और इनका अनसब्सक्राइब कर दें। जैसा मेरा भाई वैसा कर दो, जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझसे प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे भाई को भी सपोर्ट करें उनका चैनल। थैंक यू। और मैं आपको भाई चीज दिखाता हूँ जो कॉमन एरिया हमारा, बिल्कुल वैसे आलीशान फ्लैट बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें काम पेंडिंग है, चिमनी लगनी है, बट मैंने कहा जल्दी से काम को जल्दी, भाई आ रहे शूट कम्प्लीट करना था, और नीचे की फ्लोरिंग की बात करूं देखियो पूरा अपना ग्रेनेट लगवा रखा है, पूरा ये सफाई होगी, हाँ सफाई होगी, सारा काम होना है अभी, यहाँ पेंट वगैरह होना है अभी, तो अब देखो ये सारा ग्रेनेट का काम हो रखा है पूरा, मतलब हमने ग्रेनेट लगा रखे और यहाँ पे सारी स्टील की ग्रिलिंग लगी है अभी। अच्छा वो भी काम हो, मतलब मेरा वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा एक दो दिनों में। अब सामने की तरफ दिखाओ देखो, यहाँ पे हमारी अभी लिफ्ट का सेक्शन देखो दानिश भाई, यहाँ पे अभी एक क्लास वाली लिफ्ट लगने वाली है, प्लस पॉइंट है, हाँ एक क्लास वाली लिफ्ट, मतलब विद एएमसी, मतलब एएमसी चार मंजिल की बिल्डिंग में लिफ्ट भी मिल रही है यार, और क्या चाहिए। और यहाँ पे भी टाइलिंग का काम है, ब्लैकिश टाइल पूरी जो उसका बना रखा है, हर काम में, मतलब सारी लिफ्ट हमारी एक्सपो ब्रांड कंपनी है लिफ्ट उसकी लगने वाली है। और अब देख रहे हो ये सामने दो फ्लैट है और ये पीछे के फ्लैट है, जो हमारे राइट और लेफ्ट में दो फ्लैट पीछे होने वाले हैं, और ये सारा कॉमन एरिया अपना। अब दिखा रहा हूँ आपको नीचे जो हमारी फुल कार पार्किंग है, नीचे लेबर वगैरह रहती है, पटा दिख जाएगा अपने को, हमारी लेबर यही होती है। अच्छा नीचे का पार्ट पूरा पार्किंग का है क्या? हाँ पार्किंग है, वो दिखाता हूँ।
नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पार्किंग, पूरी टोटल पार्किंग है, टोटल अपनी पार्किंग होने वाली है। देख लो पूरी हमारी फुल कार पार्किंग होने वाली है, पूरी कार पार्किंग है। काम चल रहा ना तो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और ये हमारे लेफ्ट, ये हमारे यहाँ पे चौकीदार है ना, हाँ चौकीदार जी, ये दिखाइए कार हमारे चौकीदार। ये देखिए हमारे चौकीदार जी, क्या बनाया भैया? क्या नाम है? मछली का अंडा। मछली का अंडा, ये क्या होता है? क्या नाम है आपका? बबलू राजा। बबलू, कैसे है बबलू जी आप? अगर ये चिकन होता तो मैं जरूर खाता। ये मछली का अंडा है, मैं नहीं खाता। अरे मछली खाओगे तो मछली भी है और क्या क्या बात है, क्या बात है? चलो खाओ आपको। अच्छा देखो दानिश भाई, मेन चीज देख रहे हो अपनी, अब हम देखो हम लेबर को तो मतलब हमारे जितने भी होते हैं उनके साथ फैमिली तरह रहते हैं, जैसे हम खड़े एकदम मतलब ऐसा परिवार रखते हैं। मेन चीज देख रहे हो पूरी पार्किंग में फॉल सीलिंग हो रही है, देख रहे हो एक बार आप, देखो एक बार। अरे वाह, पार्किंग में हल्का काम, पूरी लाइटिंग का काम दिख रहा है। लाइटिंग पार्किंग में तो मैंने पहली बार देखी है, पार्किंग कॉमन एरिया में दिखा बार, यू नो पहली बार मैं देख रहा हूँ पार्किंग में क्या। और सारी लाइटिंग के सेक्शन देखो, लाइट वगैरह लग रही है, कटिंग हो रखी है, लाइट भी सारी लग रही है। मतलब पार्किंग में ना दिन और शाम मतलब शाम कटे पूरी चमचमाएगी, मतलब पूरी ब्राइट रहेगी, मतलब एक होता ना ब्राइट एकदम ब्राइटनेस हो तो अच्छी बिल्डिंग लगती है। तो बबलू जी चले घर, हम ये रुके आपके साथ आज, क्या हम घर चले आपके साथ रुके? नहीं रुको सर, रुके रात को रुके, आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ डिनर कर आ जाओ, आपको लेके चलते हैं। जैसे आपकी इच्छा है, चलो जी बड़े हो हम तो, अरे बड़े कुछ नहीं होता, बड़े तो भगवान होकर कोई नहीं बता। सही बात। चलो दोस्तों अब इतनी बढ़िया वीडियो शूट कर दी दानिश भाई के साथ, आ जाओ भाई कहाँ जा रहे हो? तो अब मैं बिल्कुल वीडियो एंड अप करते हैं, और एक्चुअली में टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। सीरियसली यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद काम बहुत अच्छा दिखने वाला है, और भी अच्छा दिखने, बहुत अच्छा दिखने वाला है। आप टेंशन मत लो, जब तक आप आने का प्लान करोगे 4-5 दिनों में तो पूरा रेडी हो जाएगा। और सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ट्रस्ट माई वर्ड्स, जो तुम्हारा भाई काम कर रहा है A1 क्वालिटी का काम है, तो डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग। एक बार आओ और सिर्फ 21,000 रुपए जेब में लेके आओ, और भाई के नाम चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पॉज पॉज कर मत, जाओ मत उसी में, पहले सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तो आप लोगों को प्यार मोहब्बत हमेशा मिलती है और मिलता रहेगा, तभी तुम्हारा भाई बुलिंदुर चढ़ता रहेगा। चलो तो ओके जी, बहुत हो गई वीडियो, अभी बहुत हो गई वीडियो, पहले मेरा फ्लैट फोन, चलो चलो 21,000 रुपए दे रहा हूँ मैं, सिर्फ 21,000 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा।